Hello everyone, so today we are going to start another new chapter, study of gas law. So इस chapter में basically हम लोग gas का behaviors के बारे में study करने वाले हैं. तो start करते हैं अपना chapter with a very basic concept, matter से. Matter किसको बोलते हैं? As you know, any substance which occupy space and has mass is called matter. And we know the state of matter are solid, liquid and gas. तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस क्यों होता है. वो क्या प्रॉपर्टी है कोई एक सब्सटेंस को सॉलिड बना दे रहा है, वो क्या प्रॉपर्टी है कोई एक सब्सटेंस को लिक्विड बना दे रहा है. तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो कंसेप्ट को याद रखना होगा, IMF एंड IMS. IM मतलब IMF मतलब इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटर मॉलिकुलर स्पेस. मतलब मॉलिकुल्स टू मॉलिकुल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, और मॉलिकुल्स टू मॉलिकुल्स जो स्पेस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं. तो यही दो बेसिक रीजंस है कोई भी सब्सटेंस का सॉलिड होना, लिक्विड होना या गैस होना. जिसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका स्पेस क्या होगा, ऑब्वियसली देखिए मॉलिकुल्स जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो स्पेस कम हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, वो एक कम्पैक्ट फॉर्म में हो जाएगा, तो वो सॉलिड के कैटेगरी में चला जाएगा. और जिसमें इंटर मॉलिकुलर स्पेस एकदम ही नहीं, मतलब इंटर मॉलिकुलर फोर्स एकदम ही नहीं होगा और तो स्पेस बहुत ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स रैंडमली एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे, और लिक्विड इन बिटवीन होता है. तो ये था बेसिक रीजंस. अब आते हैं हम लोग गैस का और गैस का प्रॉपर्टीज के बारे में. बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को गैस के बारे में पढ़ना है, तो इसी वजह से हम लोग गैस और गैस का प्रॉपर्टीज को देखते हैं अच्छे से. ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, गैसेस डू नॉट हैव डिफिनेट शेप और वॉल्यूम. गैस का कोई डिफिनेट शेप नहीं होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता. जैसे देखिए ये सॉलिड है ना, इसका एक शेप दिख रहा है, उसी तरह से आपका लिक्विड का कोई शेप नहीं होता लेकिन उस लिक्विड का वॉल्यूम होता है. लेकिन गैस का क्या होता है ना ही कोई शेप होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है. इसका बेसिक रीजंस है IMF, इंटर मॉलिकुलर वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है जिसकी वजह से मॉलिकुल बहुत दूरी में होते हैं, तो कोई उसका शेप और कोई उसका वॉल्यूम नहीं होता है. चलिए सर, ठीक है. नाउ सेकेंड वन, हाईली कंप्रेसिबल एंड हाईली एक्सपेंसिबल. मतलब हाईली उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और उसको हाईली एक्सपैंड कर सकते हैं. सपोज कर लीजिए ये जो रूम है, इस रूम का पूरा का पूरे रूम का गैस को अगर हम छोटे से बॉटल में लाना चाहे तो इट्स पॉसिबल, और छोटे से बोतल का गैस को पूरे रूम में फैलाना चाहे तो ये भी पॉसिबल है. ये क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स जो है ना उसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं. तो क्या है, लार्ज इंटर मॉलिकुलर स्पेस. लार्ज इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्यों होता है, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. तो ये दूसरा रीजन था सर. गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. गैस जो है ना आपको ऑल डायरेक्शन, जस्ट लाइक लिक्विड. लिक्विड भी क्या है कि ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता था, तो गैस भी एक्सर्ट करेगा प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. सर सॉलिड नहीं करता है क्या, तो सॉलिड को देखिए, अगर सपोज कर लीजिए ये सॉलिड इसको हम रखें तो इसकी इस सरफेस में कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ सब एक्सर्ट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर में कोई प्रेशर फील नहीं कर रहा. आप देखो टच करोगे लेकिन प्रेशर कहाँ फील होता है, बॉटम साइड में होता है ना. तो सॉलिड का क्या होता है, वो पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ रहता है वहाँ पर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, बेसिकली बॉटम साइड में प्रेशर. लेकिन लिक्विड और आपका गैस जो है ना वो कंटेनर, जिस कंटेनर में है यहाँ जहाँ पे है वो ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर एक्सर्ट करता है. ऐसा क्यों सर, तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ कर लीजिए, जे सपोज कर लीजिए हम एक ये कंटेनर है जिसमें गैस को रखे है, ठीक है, गैस को रखे कवर कर दिया, चलिए ठीक है. तो गैस मॉलिक्यूल जो होता है ना वो आर रैंडम जिग जैक मोशन में होता है. जिग जैक मोशन मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इस तरह से कंबाइन कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, ये स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, इस तरह से रैंडमली जिग जैक मोशन में होता है. तो रैंडमली जब जिग जैक मोशन में होगा तो वो एक दूसरे से कोलाइड करता है, एंड ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. जिस कंटेनर में आप रखे उससे भी कोलाइड करेगा, और जहाँ कोलाइड करेगा वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. ये लिक्विड के केस में भी होता है, गैस के केस में भी होता है. जैसे तो क्या रीजन है सर, गैस मॉलिक्यूल्स आर हाईली are state of rapid zigzag motion and collide with each other and also with the wall of the container. Wall of the container में आके collide करेगा, that means आपको यहाँ पे pressure feel होगा. Sir liquid में वैसे ही हम लोग देखते हैं ना, देखिए यहाँ liquid अगर है fill up, तो यहाँ से हम लोग अगर एक hole कर देते हैं तो देखिए क्या क्या होता है. Gas जो है ना
एट ए सर्टेन डिस्टेंस जाके गिरता है, ये लिक्विड जो है एट ए सर्टेन डिस्टेंस जाके निकलता है। क्यों नहीं एकदम यहाँ पे ही निकल जाता है? क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है ना आर इन रैंडम मोशन में होता है, तो वो सर्टेन डिस्टेंस को एक्सर्ट करता है, मतलब कवर कर लेता है। उसी तरह से गैस, गैस का तो ऐसे निकलता हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन गैस भी क्या होता है, आर इन रैंडम मोशन रहता है। गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, इस वजह से वो अपने चारों तरफ ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। सही है, चलिए उसके बाद देखिए, गैसेस हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी का कंसेप्ट पता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी वी नो, मास बाय वॉल्यूम। तो आप एक पर यूनिट वॉल्यूम में देखिएगा, मास आपका अगर गैस का लीजिएगा तो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा तो आपका क्या होगा, डेंसिटी ऑब्वियस लेस होगा एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। गैस का क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में, एक फिक्स वॉल्यूम में क्या होगा, आपका गैस का मॉलिक्यूल्स जो रहेगा ना वो लो रहेगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं सर, एक बॉटल अगर हम ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए ये बॉटल ले लेते हैं, बॉटल में क्या करिए, पूरा लिक्विड रहेगा या पूरा सॉलिड रहेगा, एक जगह पूरा गैस रहेगा, तो लिक्विड का जितना मॉलिक्यूल्स रहेगा और सॉलिड का जितना मॉलिक्यूल्स रहेगा उससे कम मॉलिक्यूल्स गैस का इसके इनसाइड रहेगा। इसी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैस का डेंसिटी जो होता है वो लो होता है सर। चलिए इसके बाद एक प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं, डिफ्यूज इजली एंड फॉर्म होमोजेनियस मिक्सर। डिफ्यूजिबिलिटी या डिफ्यूज का मतलब होता है, सपोज कर लीजिए गैस है ना, गैस मॉलिक्यूल्स स्पेस हम छोटा सा दिखला रहे हैं, ये स्पेस यहाँ पे इतना ज़्यादा है एक मॉलिक्यूल्स के दूसरे मॉलिक्यूल्स में, इस स्पेस के बीच में किसी अदर मॉलिक्यूल्स का आके इनसाइड इंटरमिलिंग हो जाना, इंटरमिलिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गैस। तो कोई गैस के अंदर में कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स, उसकी स्पेस ज़्यादा होता है तो दूसरा मॉलिक्यूल्स उस स्पेस में आके कोलाइड मिक्स हो जाता है और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, उसको हम लोग डिफ्यूज बोलते हैं, डिफ्यूजिबिलिटी, और डिफ्यूज होकर होमोजेनियस मिक्सचर बना लेता है। ठीक है सर, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसका स्पेस जो है इंटर, ड्यू टू लार्ज इंटर मॉलिकुलर स्पेस। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कोई एक परफ्यूम वगैरह, ऑब्वियसली हम अभी रूम में देखिएगा कुछ गैस है आपका, गैस एयर के फॉर्म में है, अब कोई परफ्यूम हो गया अगर उसको आप स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, वो गैस का मॉलिक्यूल्स होता है परफ्यूम का, वो पूरे गैस में आपका क्या होता है, मिक्स हो जाता है, उसमें जाके डिफ्यूज हो जाता है और पूरा एक स्मेल लगभग रूम के हर एक कॉर्नर में पहुंच जाता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू लार्ज इंटर मॉलिकुलर स्पेस। प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि गैस लॉ किसको बोलते हैं और टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला देखें गैस लॉ क्या है, सर्टेन रूल्स जिसको गैस फॉलो करता है व्हेन सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब कोई गैस का टेम्परेचर वॉल्यूम या आपको प्रेशर को चेंज करते हैं तो वो एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है, उसी को गैस लॉ बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा सर कोई भी गैस का टेम्परेचर बोलने का मतलब क्या है, गैस का प्रेशर बोलने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा। गैस का टेम्परेचर बोलने का मतलब क्या है, सॉलिड का टेम्परेचर तो समझते हैं सर, सॉलिड में आपको कोई टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, आप थर्मामीटर वगैरह टच करा के उसका टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, लिक्विड है उसमें डिप करके आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर गैस का टेम्परेचर बोलने का मतलब है, गैस कोई भी एक कंटेनर में है उसमें पार्टिकल्स क्या है, ऑलवेज इन रैंडम मोशन है, आपको बता चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पे है, आपको गैस ले लिया, कंटेनर ले लिया, इसमें गैस क्या है, पार्टिकुलरली रैंडमली मोशन में है, जिगजैग मोशन में है, तो इसमें जितना मॉलिक्यूल्स है उसका एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना वो उसका टेम्परेचर होता है। क्या है देखिएगा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो जो गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं इन अ सर्टेन वॉल्यूम इज कॉल्ड द टेम्परेचर ऑफ गैस। उस कंटेनर में या जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अंदर जितना मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो उस मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, आपका टेम्परेचर होता है। ठीक है सर, नाउ प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब आपको पता है फोर्स, हम लोग जानते हैं फोर्स बाय एरिया, तो जिस कंटेनर में हम लोग रखे हैं उस कंटेनर का पर यूनिट एरिया में जितना गैस मॉलिक्यूल्स फोर्स क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। तो एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस।
एंड नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई बाय द फिक्स मास ऑफ ए गैस, फिक्स मास मतलब जिस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज तो गैस हर जगह है, तो फिक्स मास ऑफ ए गैस में जितना आपका वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। सर ये तीन डेफिनेशंस तो क्लियर हो गया। नाउ आप देखिए एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करेंगे या जब इसका न्यूमेरिकल्स फॉलो करेंगे, न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे तो कुछ यूनिट्स का कन्वर्ट प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। तो यूनिट्स जान लेते हैं हम लोग क्या क्या यूनिट्स होते हैं। हम लोग जानते हैं आपका टेम्परेचर का जो यूनिट होता है हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में लिखते हैं, जिसको सेल्सियस डिग्री या सेल्सियस टेम्परेचर बोलते हैं। उसका नोटेशन है एक सी रहेगा और ऊपर में एक नोट रहेगा और सी रहेगा। एंड केल्विन स्केल, ये बेसिकली दो ही स्केल में आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, चाहे तो सेल्सियस मिलेगा चाहे तो केल्विन मिलेगा। केल्विन टेम्परेचर को हम लोग इंडिकेट करते हैं वो द लेटर के। याद रखना है यहाँ पे एक नोट जैसे सेंटीग्रेड में है वैसे यहाँ पे नहीं है। चलिए सर अब कोई एक टेम्परेचर को न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो देखिएगा किसी को सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हर एक टेम्परेचर को केल्विन में, केल्विन मीन्स एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इफ यू हैव टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड तो उसको आप 273 से ऐड करिएगा तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और क्लास 8 वगैरह में भी आप इसको डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। और अगर सेंटीग्रेड में लाना है कोई टेम्परेचर है तो उसको क्या करना है, केल्विन से 273 माइनस करना है तो आपका वो निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सर 300 है, सपोज कर लीजिए 300 अगर मान लेते हैं, जैसे अभी रूम टेम्परेचर कितना है, हम बोलेंगे सर रूम टेम्परेचर सपोज कर लीजिए आपका 27 डिग्री है, हमारा रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री है सर, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसको आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 273 ऐड करिएगा, तो 273 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 273 प्लस 27 इट विल बी नथिंग इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई बोले सर हमारा टेम्परेचर आपको 310 केल्विन है तो उसको डिग्री में कैसे लेके जाएगा, 273 से माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपका पूरा कन्वर्शन, इससे ज़्यादा और न्यूमेरिकल्स में आपको नहीं लगने वाला है सर। चलिए प्रेशर का आप देखते हैं, प्रेशर का यूनिट बहुत सारा होता है। आप देखिएगा पास्कल हम लोग बेसिकली पढ़े हैं, हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर भी पढ़े हैं, एटमोसफेयर का एयर का वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है पर यूनिट में उसको एटमोसफेयरिक प्रेशर बोलते हैं। तो यह याद रखना है आपको यहाँ पे क्या है, 1 पास्कल क्या होता है ये आपको पता है, पीए से इंडिकेट कर दे, 1 atm एटमोसफेयरिक प्रेशर को हम लोग शॉर्ट में atm बोलते हैं, तो 1 atm इज इक्वल्स टू 1 torr बोलते हैं, टोरी सीली की जो आपका बैरोमीटर था वहाँ से कंसेप्ट आया है, तो 1 torr ये याद रखना है। और 1 atm इज इक्वल्स टू 76 mm ऑफ Hg या 760 अगर आप सेंटीमीटर में लीजिएगा तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, और अगर आप मिलीमीटर में लीजिएगा तो 760 mm ऑफ Hg होगा। इसको भी हम फोर्स एंड प्रेशर बोल के क्लास 8 का है उसमें बहुत एक्सप्लेन करके बताया, अभी सिर्फ आपको यूनिट याद रखना होगा। 1 atm हम लोग ले सकते हैं, 1 atm इज इक्वल्स टू 1 torr हो रहा है, और 1 atm इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है और 760 mm ऑफ Hg होता है। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए इतने ही आपको फिलहाल आपका यूनिट्स का दरकार होगा। नाउ सर वॉल्यूम का आप यूनिट कैसे लेंगे, वॉल्यूम का तो नॉर्मली हम लोग जैसे वाटर वगैरह कितना होता है लीटर में होता है ना, तो वॉल्यूम का मतलब हम लोग यूनिट ले रहे हैं लीटर हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है। यहाँ पे एक दो कन्वर्शन यहाँ याद रखना है, वो सेंटीमीटर क्यूब कहीं कहीं दे देता है, और क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं या क्यूबिक डेसीमीटर बोल सकते हैं, तो ये दे सकता है। कहीं कहीं गैस का आपको लीटर दिया रहेगा, क्यूबिक सेंटीमीटर दिया रहेगा, अब कन्वर्शन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो याद रखना है 1 liter इज इक्वल्स टू 1 dm³, यही अगर याद रखे तो सब हो गया, लीटर इज इक्वल टू dm³। तो 1 milliliter क्या हो जाएगा, cm³ हो जाएगा, और उसके बाद कोई भी कन्वर्शन रहेगा आप यहाँ से कर लीजिएगा। अच्छा 1 liter इज इक्वल्स टू कितना milliliter होगा, मिली का मतलब होता है 1000 milliliter, ठीक है, तो 1 liter इज इक्वल्स टू 1000 milliliter होगा। तो अब कोई भी कन्वर्शन है अगर सेंटीमीटर क्यूब में है लीटर में जाना है तो आप इस फॉर्मूलाज को फॉलो करके कर लीजिएगा, अगर सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब में है तो लीटर मतलब वही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये आपका यूनिट्स जो है न्यूमेरिकल्स में लगेगा, लीटर मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब।
अब हम लोग बॉयल्स लॉ के बारे में देखेंगे। तो बॉयल्स लॉ हो या चार्ल्स लॉ हो, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। हमारा जो थ्री फंडामेंटल्स जो फिजिकल क्वांटिटीज था, क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एक्चुअली इस पूरे लॉ में हम लोग यही का वेरिएशंस को देखेंगे। तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से आप क्या करोगे, किसी एक को फिक्स रख के दो का वेरिएशन, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा में क्या इफेक्ट हो रहा है, उसी को हम लोग चेक करते हैं। तो पहला बॉयल्स लॉ को अगर देखा जाए तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर और वॉल्यूम का क्या करेंगे, हम लोग वेरिएशन देखेंगे। मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट हो रहा है, या वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसी को बॉयल्स लॉ बोलते हैं। बस बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, अगर आप वॉल्यूम किसी एक का बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम होगा, या प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम होगा, ये लॉ बोल रहा है। सर यहाँ पे दो टर्म जो है ना, गिवन मास एक टर्म हो रहा है और एक ड्राई गैस आ रहा है। ड्राई गैस को पहले क्लियर करते हैं। ड्राई गैस इस वजह से लिया गया, अगर मॉइस्चर रहेगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो प्रेशर के वेरिएशन से वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, वो आपका गैस से हो सकता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो प्रेशर का वेरिएशन से हो सकता है, इस वजह से फिर लिक्विड हो गया तो गैस लॉ तो फॉलो नहीं करेगा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर ड्राई गैस। एंड नाउ गिवन मास बोलने का मतलब है एक फिक्स क्वांटिटी में गैस को ले लेना है, ऐसा नहीं कि सर पूरा एटमॉस्फेयर में जाके हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे तो वॉल्यूम कम होगा, एक गिवन मास हो जाएगा, फिक्स मास में कोई चेंजेस नहीं होगा। आप एक बार फिक्स कर दो मास को, उसी में एक्सपेरिमेंट करोगे को करना है, आप पूरे एटमॉस्फेयर में लेके आप करने को कोशिश करिएगा तो पूरा आपका एक्सपेरिमेंट, वो आपका वेरिएशंस शो ऑफ नहीं होगा, ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन आता है, देखिए जैसे आपको बॉयल्स लॉ के कंसेप्ट के हिसाब से क्या है, वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, या प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो यहां से आप देख रहे हो, लेकिन ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन देखिए यहीं से अगर बैलून ले लेते हैं, बैलून को हम लोग जब फूंकते हैं तो क्या होता है, वो वॉल्यूम बढ़ता है ना, हम प्रेशर को जितना देंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखिए यहां पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है। अगेंस्ट में इससे तो समझ में आ रहा है सर, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए तो प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहां पे जब फूंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, फूल रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और साथ में हम प्रेशर भी तो एग्जर्ट कर रहे हैं, प्रेशर भी तो दे रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये क्या बॉयल्स लॉ को होल्ड नहीं करता है, तो याद रखना। इसी वजह से यहाँ पे गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास मतलब एक फिक्स मास में ये एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। हम लोग जब फूंकते हैं ना तो मास मतलब गैस का मॉलिक्यूल्स चेंज होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगता है, तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा। तो दो क्राइटेरिया है, गिवन मास एंड ड्राई गैस। द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ इट्स क्या, प्रेशर। वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो प्रेशर कम होगा। चलिए सर ये मैथमेटिकल टर्म में ऐसा ले लिया, टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। अच्छा सर, जब कॉन्स्टेंट का मतलब होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये एक एक्चुअल ये नहीं, फिगर आउट नहीं हो रहा है, टू टाइम्स इंक्रीज करेगा, 2.5 टाइम इंक्रीज करेगा या 2.5 टाइम डिक्रीज करेगा, कोई एक नहीं होता। तो उस जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट लेते हैं। आई एम टेकिंग हेयर के एज ए कॉन्स्टेंट, ये आप मैथ्स में पढ़े हो, या अगर हम मैथ्स में पढ़ाएंगे तो आपको इसको डिटेल में बता देंगे। एक होता है वेरिएबल क्वांटिटी, एक होता है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स हो गया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा। लेकिन वेरिएबल क्वांटिटी देखिएगा, हम लोग बहुत बार एक्सपेरिमेंट अपना मैथ्स को फॉलो करने के लिए लेट करते, लेट दिस वन इज एक्स। एक्स क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी। एक्स का कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं है, किसी एक्सपेरिमेंट में एक्स का वैल्यू 5 आ रहा है, किसी में 10 आ रहा है, किसी में 100 आ रहा है। तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, और कॉन्स्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो। तो हम यहाँ पे गेस करके के को एज ए कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। नाउ बी इज गोल्स टू इक्वल्स टू हो जाएगा, जब कॉन्स्टेंट लेने के तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन दे देंगे, और P जब क्रॉस करेंगे तो PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये एक फंडामेंटल लॉ का आपका, बॉयल्स लॉ का एक आपका इक्वेशंस आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट।
चलिए सर, इसको हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट से समझने का कोशिश करें, सपोज कर लीजिए एक गैस था, कंटेनर था, इसमें गैस को हम रखे हैं। यहाँ पे देखिए, गैस को जब रखे हैं तो यहाँ सपोज कर लेते हैं, यहाँ से एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर पी, और तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है वी है, तो ये इतना वॉल्यूम। जब हम इसका प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, सपोज दैट आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, आप ही देखो जब आप इसका इंक्रीज करोगे प्रेशर तो क्या होगा, गैस कंप्रेस होगा ना। अगर ये यहाँ पे पिस्टन होगा और मूवेबल होगा तो ये क्या होगा, गैस कंप्रेस करेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है ना, जब प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, एंड प्रेशर को फोर टाइम करते हैं ना तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वन फोर्थ हो जाता है। जिसको एक्सपेरिमेंट में अगर दिखलाने की कोशिश करें तो प्रेशर जब पी था तो वॉल्यूम भी था, प्रेशर को जब टू पी किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। एंड ये जस्ट एजम्पशन के लिए, आपको समझाने के लिए लिया हुआ, ऐसा न्यूमेरिकल्स वैल्यू ऐसा नहीं होगा। और थर्ड वन, जब प्रेशर 4P था तो वॉल्यूम क्या हो गया, V by 4 हो गया। तो ये देखो हर एक केस में PV is equals to क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर सेम रहना चाहिए, यही तो बता रहा है, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। मतलब चाहे आप 10 बार एक्सपेरिमेंट कर लो, ये जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट है। अगर 100 आ गया, सपोज कर लीजिए प्रेशर को कुछ वॉल्यूम यूनिट कुछ एक वैल्यू होगा, वॉल्यूम का कुछ एक यूनिट आएगा, मान लीजिए दोनों का प्रोडक्ट करके 100 आ रहा फर्स्ट टाइम है, तो सेकंड टाइम में प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, इस तरह का कम होगा कि दोनों को फिर से 100 ला दे। फिर यहाँ पे भी इस तरह से आप 1000 बार एक्सपेरिमेंट करते रहेगा, तब दोनों का प्रोडक्ट जो होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम का, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये सर एक बॉयल्स लॉ का कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से एक डायग्राम भी बना सकते हैं, देखिएगा अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट का ऐसा डायग्राम बनाएं, यहाँ पे वॉल्यूम दे दे और यहाँ पे प्रेशर दे दे, क्या दे दे, प्रेशर दे दे। तो देखिए वॉल्यूम प्रेशर, जैसे मान लेते ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया, तो देखो प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, इसी को हम लोग पीवी डायग्राम बोलते हैं। यहाँ पे वीपी या पीवी डायग्राम, देखिए प्रेशर जब बढ़ाइएगा तो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यही आपका यहाँ पे पीवी डायग्राम दिखला दिया गया। चलिए सर ये क्लियर हो गया। तो एक और देखते हैं, जैसे देखिए ये सपोज कर लीजिए इस केस में जो प्रेशर था उसको P1 ले लिया, इस केस में जो वॉल्यूम था उसको V1 ले लिया, इस केस में जो प्रेशर था V2 ले लिया, इस केस में जो प्रेशर वॉल्यूम था V2 ले लिया, इस तरह पे P3 V3 भी ले सकते हैं। तो इफ मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम V1 एट P1 होगा और वॉल्यूम V2 एट P2 ले रहा है, तो अगर हम इसको मर्ज करके निकालें, देखिए P1 V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो सकता है, P2 V2 कांस्टेंट हो सकता है, तो ये भी मान लेते हैं ये मिला के ये जो आ रहा है कांस्टेंट, सपोज कर लीजिए जैसे आपको बताया ये अगर 100 आता है तो ये भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा, पूरा जितना बार एक्सपेरिमेंट करो 100 आएगा, तो हम बोल सकते हैं ना P1 V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, P2 V2 कांस्टेंट, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू P3 V3 इज इक्वल्स टू P4 V4, ऐसा आप पूरा एक्सपेरिमेंट ले जा सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ इक्वेशंस। फाइनली जो इक्वेशंस बॉयल्स लॉ इक्वेशंस आ रहा है वो हो रहा है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, यही से आपका न्यूमेरिकल्स को हम लोग को बनाना है सर। ये आपको पूरा ओवरऑल बॉयल्स लॉ था। अगर इसका डायग्राम हम बनाने का कोशिश करें, इसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाने की कोशिश करें, जैसे ये तो बॉयल्स लॉ का ग्राफ हो गया, ये हो गया ग्राफ, ठीक है। अगर P1 V1 का ग्राफ बनाने का कोशिश करें तो देखिए P1 V1 का जो वैल्यू है ऑलवेज कॉन्स्टेंट है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, आप प्रेशर को जितना भी बढ़ाते रहिए, ये आप प्रेशर को जितना भी बढ़ाते रहिए, जो प्रोडक्ट आएगा ना ये फिक्स आएगा, तो इसी को हम लोग एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन में शो ऑफ किया। चलिए इससे ज़्यादा बॉयल्स लॉ में अगर नहीं आएगा, आपको पूछा नहीं जाएगा, अगर बॉयल्स लॉ आता है स्टेट बॉयल्स लॉ, तो आप सिर्फ लिखिएगा ये वाला अप टू लिख दीजिएगा, दैट्स एनफ, 2 मार्क्स के लिए ये एनफ है। ग्राफ आएगा तो यहाँ से ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट वाला कंसेप्ट याद रखिएगा, गिवन मास एंड ड्राई गैस वाला कंसेप्ट को याद रखना है। तो आई होप सो बॉयल्स लॉ में इससे और कुछ नहीं पूछेगा। बॉयल्स लॉ का जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना, तो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, दैट्स इनफ। अगर ये याद रहेगा तो हो गया खत्म, और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सर एक्सपेरिमेंट देखते हैं, आप न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अ सर्टेन मास ऑफ क्लोरीन ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया ना, ऑक्यूपाई मतलब वॉल्यूम होता है, और यूनिट से भी आप समझ सकते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन, कितना दिया हुआ है, 750 सेंटीमीटर। आपका पहला काम है ना गिवन डाटा, आपको क्या करना है, गिवन डाटा जो आपका लिखा हुआ ना उसको पूरा लिखना है। गिवन डाटा लिख लिया,
चलिए इनिशियल वॉल्यूम आपका कितना था, इनिशियल वॉल्यूम आपका हो गया 750 सेंटीमीटर एट ए सर्टेन प्रेशर, अच्छा प्रेशर नहीं दिया हुआ, एट ए सर्टेन प्रेशर दैट मीन्स पी वन इज नॉट गिवन प्रेशर, व्हेन द प्रेशर वाज चेंज टू, प्रेशर अब कितना कर दिया जा रहा है, प्रेशर नीचे ही लिखते हैं, जब प्रेशर पी टू को चेंज करके कितना किया जा रहा है, चेंज टू 2.5 atm, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर में दिया है, इट्स ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम भी दे दिया, V2 दे दिया हुआ है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट वाज द इट्स इनिशियल प्रेशर, मतलब इनिशियल प्रेशर को आपको फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। देखिए ऐसे ना आप न्यूमेरिकल्स क्लास 9 में हो तो न्यूमेरिकल्स तो ऐसे बनाना ही होगा पूरा प्रोसेस में, लेकिन अगर कंपटीशन वगैरह में कैसे किया जाता है, तो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ क्या हाफ हो रहा है ना, वॉल्यूम देखिए यहाँ जितना है उसका हाफ हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, डबल होगा, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका डबल कितना होगा, 5 होगा, 5 एटमोस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हम लोग को क्या है फॉलो करके न्यूमेरिकल्स को बनाना है, तो कैसे करेंगे सर, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ तो वी नो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, P1 V1 is equals to P2 V2, ये हम लोग जानते हैं, नाउ पुट द वैल्यूज, लेट से दिस वन इज x, x मान लेते हैं या P भी मान सकते हैं, तो इसमें जब पुट अप करेंगे तो कितना होगा, देखिए x इंटू 750 इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 2.5, अब सर P का वैल्यू निकालना है या X का वैल्यू निकालना है, तो बाकी वाले को हम क्या करेंगे उस तरफ शिफ्ट करेंगे, चलिए उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 750, देखिए ये एकदम डायरेक्टली कट रहा है वन से, तो ये कितना हो जाएगा 750, डबल है ना, देखिए तो टू से काट दे रहे पूरा, ये हो जाएगा 5 atm, जो हम लोग बता चुके हैं आपको, तो 5 एटमोस्फेरिक प्रेशर इनिशियल आपका उसका प्रेशर था, तो ये ऐसे देखिए कुछ नहीं है, जस्ट आपको इनिशियल डाटा अगर पता है, इनिशियल डाटा लिखो, फॉर्मूला आपको पता है, उस पर पुटअप करो, कोई तीन गिवन रहेगा एक को निकालना है, जस्ट पुट करके निकाल लीजिए, हाँ ये जब देखिएगा तो इसका यूनिट्स को थोड़ा देख लीजिएगा, यूनिट जो होगा सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल्स आपका, अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस वॉज फाउंड टू बी एट अ प्रेशर, अच्छा इसका वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, प्रेशर क्या दिया हुआ, देखिए तो प्रेशर इनिशियल प्रेशर ले सकते 1200 mm ऑफ hg, ये दिया हुआ, अच्छा सर इनिशियल वॉल्यूम को हम क्या मान सकते हैं, V1, लेट इट्स बी x और वॉट एवर बी मान लेते हैं x है, चलिए ठीक है। Now, when the pressure decreases by 500 mm of hg, अच्छा प्रेशर P2 भी आपको गिवन दे दिया हुआ है, प्रेशर P2 कितना है, देखिए यहाँ पे बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं ना, देखिए प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीजेस बाय 500, तो 500 ही लिख देते हैं, यहाँ पे बोला डिक्रीजेस बाय मतलब इतना से 500 घट गया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना योर मार्क्स डिक्रीजेस बाय 2, दैट मीन्स आपका जो मार्क्स था उससे 2 को माइनस कर दो जो निकलेगा वो, अगर हम बोलेंगे योर मार्क्स रिड्यूस टू 2, एक होता है रिड्यूस टू और डिक्रीज बाय, रिड्यूस टू मतलब उस मार्क्स में आप पहुंच चुके और डिक्रीज बाय मतलब वो उतना माइनस होगा, तो इनिशियल इतना था ये माइनस होगा, डिक्रीजेस बाय है ना, अगर यहाँ रहता है डिक्रीजेस टू 500 तो P2 500 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिक्रीजेस बाय 500 है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस करिएगा तो कितना हो जाएगा 700 mm ऑफ hg, जैसे देखिए 1200 से 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा ना, 700 mm ऑफ hg हो गया। नाउ द गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ, अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम भी दे दिया, V2 कितना दे दिया हुआ सर 2400 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी जो होगा सेंटीमीटर क्यूब में ही लिख लेते हैं। चलिए तो आपको फाइंड इट्स इनिशियल वॉल्यूम, आपको बोला है इनिशियल वॉल्यूम को फाइंड आउट करना, देखिए वही एकदम सेम एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे पी फाइंड आउट करना था या इनिशियल वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, वी नो दिस फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला में पुट अप करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए P1 की जगह 1200 लिख दिया, V की जगह X लिख दे रहा हूँ, और P2 कितना है देखिए 700 इंटू वी की जगह कितना लिख सकते हैं 2400, अच्छा सर एक्स फाइंड आउट करना है ना, तो वो वहाँ चला जाएगा 700 इंटू 2400 और ये क्या हो जाएगा 1200 नीचे चला गया, तो देखिए अब देखिए कैंसिल हो रहा है कुछ सर, कैंसिल तो हो रहा है 12 1 12 1224, तो देखिए 1224 हो रहा है ना, 12 2
और 00 है, 00 कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, 7 जब हम लोग इसको ये करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 × 2 दैट मीन्स 1400। अच्छा, अब वॉल्यूम का यूनिट्स क्या था यहाँ पे, देखिए वॉल्यूम का यूनिट्स था सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब।